गाइस कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। आज उसी के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है, कितना पोस्ट दे दिया आपको, सब कुछ इस वीडियो में हम बोल देंगे। आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो से जुड़ रही है और 24/7 जॉब इंफॉर्मेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हर रोज जुड़ रही है। चलिए शुरू करते हैं। पर आप सब देख ही सकते हो कि आपका जो BSF के द्वारा जारी हुआ है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आपका एक पोस्ट निकला है। आपका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स SMT जो वर्कशॉप है वही पर आपको निकला है। आपको ऑनलाइन उठ पर आपको अप्लाई करना होगा। चलिए पहला पोस्ट देख सकते हैं आपका सब इंस्पेक्टर व्हीकल्स और मैकेनिक्स। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ आपको 12 पोस्ट जारी किया गया है, ठीक है, और अलग से जो सर्विसमैन है उनके लिए जारी हुआ सिर्फ एक पोस्ट, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही आपका जो ऑटो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है यहाँ भी आपको वैकेंसी जारी किया है। टोटल मिलाकर आपका 4 जारी हुआ है वैकेंसी। उसके बाद है आपको सब इंस्पेक्टर स्टोर कीपर, ये पर भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसी को 6 जारी हुआ है। सो टोटल सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला के आपको आप देख सकते हैं 22 आपको पोस्ट यहाँ पर निकला है। और एक बार एक अलग से भी जो निकला है सिर्फ एक ही पोस्ट ही आपका जे सर्विस के अंदर आता है जो व्हीकल्स मैकेनिक का। यहाँ पर आपको पे मैट्रिक 6 आपको सैलरी दिया जाएगा जो 7 CPCP के द्वारा यहाँ पर अंतर्गत आपको जारी होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो है ग्रुप सी का पोस्ट है, ग्रुप सी के पोस्ट है देख सकते हैं आपका कॉन्स्टेबल OTRP जो मेल है यहाँ पर भी आपको 8 पोस्ट आपको जारी हुआ है। उसके बाद जो OTRP जो फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए सिर्फ एक पोस्ट जारी हुआ है। उसके बाद जो कॉन्स्टेबल SKT मेल है यहाँ पर भी आपको सिर्फ 6 पोस्ट जारी हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पर फीटर कैंडिडेट्स मेल के द्वारा यहाँ पर भी आपको 6 पोस्ट जारी हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो फीटर फीमेल कैंडिडेट्स है यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी द्वारा जारी है। उसके बाद आपका जो कॉन्स्टेबल कारपेंटर जो मेल है यहाँ पर भी आपको सिर्फ 4 ही पोस्ट आपको निकला है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कॉन्स्टेबल जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है जो मेल कैंडिडेट है यहाँ पर उनके लिए भी आपको सिर्फ 9 पोस्ट आपको निकला है यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं आप, उसके बाद आपका कॉन्स्टेबल होगा ऑटो इलेक्ट्रिशियन फीमेल है पर सिर्फ एक ही पोस्ट है तो फीमेल के द्वारा है जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पे। उसके बाद आ गया व्हीकल मैकेनिक तो जो जो मेल कैंडिडेट का अंतर आता है यहाँ पर भी आपको टोटल आपको 17 पोस्ट आपको निकला है। उसके बाद देख सकते हैं आप जो यहाँ पर फीमेल है यहाँ पर फीमेल को भी सिर्फ 3 ही पोस्ट को निकला है। और एक बात जो यहाँ व्हीकल मैकेनिक का आपका 2 पोस्ट निकला है जो एक सर्विसमैन है उनके लिए और जो ऑटोरिटी थी उनके लिए 1 पोस्ट और निकला है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो कॉन्स्टेबल BSP है जो मेल है यहाँ पर भी आपको सिर्फ 6 ही पोस्ट 6 पोस्ट आपके ऊपर निकला है। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है BSPS का यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही पोस्ट निकला है जो अनरिजर्व कैटेगरी द्वारा आपका जारी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आप व्यापारी पोस्ट आप देख सकते हैं आपका जो हो गया था। उसके बाद आगे आपका जो कॉन्स्टेबल वेल्डर है ये बार भी आपको सिर्फ 10 ही पोस्ट आपका निकला है, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स का सिर्फ 1 पोस्ट निकला है और व्यापार वेल्डर का आपका एक सर्विसमैन है जो अनरिजर्व कैटेगरी द्वारा आपका जाता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप, उसके बाद आपका देख सकते हैं आपका जो पेंटर पोस्ट है जो कॉन्स्टेबल का मेल के द्वारा सिर्फ 4 ही आपका वैकेंसी जारी हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं अबोस्टर मेल है यहाँ पर भी आपको 6-5 पोस्ट है। उसके बाद जो टर्नर पोस्ट है यहाँ पर भी आपको जो मेल कैंडिडेट जारी हुआ है यहाँ पर 5 पोस्ट है। सो टोटल जो ग्रुप सी पोस्ट जो कॉन्स्टेबल के द्वारा टोटल आप देख सकते हैं आप 88 पोस्ट आपको निकला है टोटल मिला के जो कॉन्स्टेबल जारी होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो एक्सर्विसमैन सिर्फ उनका भी है, एक्सर्विसमैन के आपका आंडित करके तो 3 है और उसे से देखिए यहाँ पर भी आपको पे मैट्रिक्स लेवल 3 सैलरी आपको मिलेगा जो 7 CPCP के द्वारा मिलता है जो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दे दिया आपका जो वैकेंसी है आपको वैकेंसी आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, मतलब वैकेंसी बढ़ सकता है और वैकेंसी घट सकता है। तो इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं हो। और ये भी आपको बोल दिया आपका जो रिक्रूटमेंट जारी हो है आपको कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा तो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो कैंसिल पोस्टपोन भी हो सकता है, ठीक है। आपको आपको विदाउट एनी रीजन आपको बताया। सो आपको जब भी कैंसिल पोस्टपोन होगा आप ऑनलाइन में देख सकते हैं, आपका फोन में मैसेज भी आएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, इस वेबसाइट जाके आपको नोटिस करके भी आपको
अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो वो दे दिया है, जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी एक बार आपको स्पीडी कैटेगरी उनका वैकेंसी भी दिया है, या आप लोग वहाँ देख सकते होगे। और आपको क्वालिफिकेशन आपको एक बार देख सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पर, आपको जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन ग्रुप बी के अंतर्गत, यहाँ पर आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग में, और आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड पे आपको हम ना तो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका जो कॉन्स्टेबल पोस्ट है, आपका जो टेक्नीशियन ग्रुप सी के अंतर्गत, आपका आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना होना होगा, उसके साथ आपको आईटीआई कंप्लीट करना होगा रेस्पेक्टिव डेट में, और 3 साल आपको वर्क एक्सपीरियंस होना होगा, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। सब कुछ आपको ध्यान दे आपको देना होगा, आपको क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन आपको दिया होगा। और यहाँ पर अपर डिजी लिमिट देख सकते हैं, जो एसआई पोस्ट है यहाँ पर आपको मिनिमम आपको 30 आवर्स मिलेगा, और यहाँ पर जो आप टू गवर्नमेंट सर्विस अप टू अकॉर्डिंग दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर अलग से 5 वर्ष उनको छूट मिलेगा, और जो कॉन्स्टेबल टेक्नीशियन उनको 18 से 25 साल का एज उनको मिलेगा, और एनी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उनको 40 40 40 40 40 तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको बोल दिया। उसके बाद आता है, आप सभी जानते हो गए, जो अलग से SC ST कैंडिडेट को 5 साल तक एज में छूट मिलता है अलग से। ठीक है, मानो जो सब इंस्पेक्टर जो SC ST अप्लाई करते हैं उनको 35 ईयर तक एज मिलेगा। सो ये भी अच्छा बात है यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं जो OBC के उनके लिए 3 या 3 आवर्स मिलेगा, और SC को अलग से उनको मिलेगा तो 3 साल मिलेगा उनको रिटर्न करने के बाद। सो यहाँ पर दे दीजिए, आप लोग देख सकते हैं इन डिपार्टमेंटल अपनी SC ST OBC सब कुछ यहाँ पर आपको बोलिया। उसके बाद आपका आ गया जो खास आपका जो इनकम सर्टिफिकेट, जो अलग से जो EWS कैटेगरी होता है, सब कुछ सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, उनको सब कुछ सर्टिफिकेट उनको देना होगा। और उसके बाद आ गया आपका जो हाइट मेजरमेंट हो गया, जो SI पोस्ट का कॉन्सेप्ट पोस्ट का दे दिया आपका, देख सकते हैं आपको हाइट 65 सेंटीमीटर और फीमेल को 57 सेंटीमीटर उनको मिलाएगा, और चेस्ट भी दे दिया कितना आपको अनएक्सपेक्टेड होगा, कितना एक्सपेक्टेड आपको फुला कर देना होगा, और वेट आपको पोजिशन आपको एज पर मेजर आपको वेट आपको रखना होगा। और अलग से एक बार बोल दिया नोट फॉर मेल जो है गोरखा होते हैं सिक्किम नागालैंड उनको अलग से कुछ उनका एक बार नोटिस जारी हुआ है, वो भी एक बार देख सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट से एक बार दे दिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, थीके? और यहाँ पर अलग से नीचे जो अलग से नोटिफिकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो I2I आपका जो I5 तो जितना कन्वर्जन होता है, आपका जो बेटर है वर्स्ट है सब कुछ यहाँ पर दे दिया आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और टैटू पर कितना टैटू है, तो कितना रहना चाहिए, इतना नहीं 1/4 साइज, सब कुछ आपको देखने बाद भी आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, जाइए बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिलेक्शन पोस्ट द्वारा दे दिया है आपको कैसे एग्जाम ले जाएगा, आपको जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को आपको कुछ आपको 100 मार्क्स का आपको होगा, 2 घंटे को टाइम दिया जाएगा, ये आपका होगा सिलेक्शन पोस्ट का। उसके बाद आ गया जो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है यदि आपका जो यहाँ पर ऑटो ऑटो इलेक्ट्रिशियन शॉपकीपर इंजिन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, आपका जो यहाँ पर डिपार्टमेंट आपका जो सिविल सब्जेक्ट है यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट, उसका भी अलग से एग्जाम लिया जाएगा, वो भी अलग से आपको दे दिया है, SI का भी दे दिया, सब कुछ दे दिया आप यहाँ पर जाकर देख सकते, काफी ज्यादा दे दिया वैल्यूज जो आप है भी दे दिया उनको। ठीक है, और SC ST को 30 33% पासिंग मार्क्स मिलेगा, जनरल OBC को यहाँ पर 35% पासिंग मार्क्स मिलेगा, और अलग से दे दिया आपको भागना होगा यहाँ पर 3.2 किलोमीटर 17 मिनट्स में, और फीमेल को 6.1.6 किलोमीटर 9 मिनट में भागना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल टेस्ट सब कुछ इस फॉर्म में आपको दे दिया होगा। आपको फॉर्म के द्वारा आपको 200 रुपीज आपको देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रुप सी पोस्ट है उनके लिए पर 100 रुपीज उनके ऊपर देना होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बात यहाँ पर कुछ बात है, जो SC ST और वोमेन जो BSA पर्सनल कैंडिडेट तो 120 महीने उनके लिए कुछ पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए पर फ्री है, और अलग से जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम रिप्लाई कर देंगे, और वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन का हमको मिल जाए। हमारे इस सैलरी में हर रोज वीडियो होते हैं, आप रोज सहीगा। चलिए यार, मैं अब चलता हूँ, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग ध्यान से फॉर्म फिलअप करना।